अजमेर आपके लिए पॉलिटिकल है, इन 15 दिनों में आप कितना समझे अजमेर जी? 15 दिन में हमने सारे दौरे कर लिए, चाहे देहात के हो चाहे शहर के हो, एक एक आदमी से मिलके, बच्चों से मिलके, हमने माताओं बहनों से मिलके जो सारा समझा है, मतलब इतना अपनापन मुझे कहीं और नहीं मिला होगा जितना अजमेर में मिला है पिछले 15 दिनों में। यहाँ की सारी दिक्कतें, यहाँ की क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें खराब हैं, सब चीज़ समझने को मिल गया है और एक एक के ऊपर बैठ के हम यहाँ पे उसका हल निकालेंगे। आप अपने भाषणों में दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक है पानी की समस्या। क्या आपने नब्ज़ पकड़ लिया अजमेर की जनता जी? नब्ज़ पकड़ने की बात नहीं है, ये पानी की जो दिक्कत है, आप कहीं भी जाएं, ये पानी की बहुत गंभीर समस्या है इधर। और मेरा ये मानना है कि हम 21वीं सदी में अगर बड़ी बड़ी बातें और करें और पानी की समस्या रहे तो बहुत एक शर्म की बात है। मैं 2 साल के अंदर अंदर मैंने ये हर जगह बोला है, इसका हम एक उपाय निकाल के लाएंगे और कुछ भी हो पूरे अजमेर ज़िले में जो पानी की समस्या है उसको हल करेंगे। एक कॉर्पोरेट कल्चर से आप निकल के आए, पॉलिटिक्स जो है वो गांव गांव गली गली, टेम्परेचर नहीं देखती, मौसम नहीं देखती, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका ये पूरा? ये बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, आपको उनकी बातें समझ में नहीं आएगी। तो मैं तो हमेशा से ही, मतलब मेरा ये रहा है कि लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के बीच में रह के उनकी दिक्कतें समझ के, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप उनका कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे। थैंक यू। थैंक यू। हमारे सरपंच हम सारे अजमेर जिला में, देहात में, शहर में 20 दिन से दौरा कर रहे हैं, हर जगह जाके देख रहे हैं। एक बात यह स्पष्ट हो चुकी है पूरे अजमेर में ये कांग्रेस की लहर है, सचिन पायलट जी की लहर है, अशोक गहलोत जी की लहर है। और इधर भी देखिए, आप जितने भारी संख्या में जा रहे हैं यहाँ भी देख के पता लग गया है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। मेरे ऊपर जो बात रखी गई है, सचिन पायलट जी ने जो मुझे आपके बीच में भेजा है, जो मुझ पर भरोसा किया है, आप पर भरोसा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे सारे जो उनकी उम्मीदें हैं उससे मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे पहले सारे नेताओं ने जान की बातें करी है, मैं बस एक दो चीजों पर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात जो सामने बताई, यहाँ पूरे अजमेर जिले में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है पानी की दिक्कत। मैं जब जब घूम रहा हूँ, जहाँ जहाँ देख रहा हूँ, पानी की बहुत दिक्कत है, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे कारोबार के लिए पानी हो। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैंने भीलवाड़ा जिले में, जो यहाँ के पास का जिला है, आप जानते होंगे वहाँ से लोगों को, उधर पानी की कितनी गंभीर समस्या थी, आप फोन करके पूछिए। 7 साल पहले वहाँ ना पीने का पानी था, ना फैक्ट्री के लिए पानी था। जब से सीपी जोशी साहब वहाँ पे सांसद बने, मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे उन्होंने मुहिम चलाई और 4 साल के अंदर अंदर चंबल का पानी लेके वो भीलवाड़ा आ गए। आज भीलवाड़ा में जितना पानी लोगों को चाहिए उससे ज्यादा पानी है उधर। हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे कि अगले 2 साल के अंदर अंदर चंबल का जो पानी भीलवाड़ा में है, पाइपलाइन के जरिए उसको अजमेर में लाएंगे और अजमेर में, नसीराबाद में, यहाँ पानी की जितनी दिक्कत है एक बार में इसका हल निकालेंगे, ताकि बार बार आपको टैंकरों पे नहीं निर्भर होना पड़े, सारी पानी की समस्या बैठे बैठे यहाँ हल हो। दूसरी बात, सब कुछ है अजमेर में, बहुत सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास मैन पावर है, सब कुछ है। मैंने खुद देखा है पिछले 20 साल में, मैं अपने परिवार का उद्योग जो देखता हूँ, कितने उद्योग है, चाहे आप भीलवाड़ा देख लीजिए, चित्तौड़ देख लीजिए, हर जगह अजमेर औद्योगिक मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहाँ कई घरे गिने चुने सिर्फ कारखाने हैं। मेरी अगर यहाँ से आप मुझे यहाँ पे चुन के भेजते हैं, एक जो सबसे बड़ी पहल रहेगी वो किस तरह यहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति लाए, ज्यादा से ज्यादा कारखाने खोले, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां खोले, ताकि हमारे जो युवा भाई है इधर, एक को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, जिला छोड़ के बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, कोई बेरोजगार ना रहे। हमारे जो बच्चे इधर है, जो 15 साल बाद जाके नौकरी करेंगे यहाँ जाके, उनको भी अपने माँ बाप से दूर ना रहना पड़े, उनको भी यहीं पे नौकरी मिले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली, बम्बई, जयपुर कहीं भी जाना पड़े मुझे, हर जगह एक एक उद्योगपति के घर में मैं जाऊंगा, उनको इधर लेके आऊंगा और उनको हम बताएंगे कि आप अगर अपने कारखाने कहीं और खोल रहे तो अजमेर में आइए, नसीराबाद में आइए, कारखाने इधर खोलिए, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं सबको यहाँ बैठ के नौकरी मिले, किसी को बाहर ना जाना पड़े। महिला, युवा, बुजुर्ग,
बच्चे, मीडिया, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत माफी चाहेंगे, सुबह से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने उत्साह के साथ और जितने प्यार के साथ आपने यहाँ स्वागत किया है, इससे मतलब मैं जो कह रहा हूँ, पिछले 20 दिनों से हम रेगुलर दौरा कर रहे हैं सारे देहात का, शहर का, हर जगह का, लेकिन जो उत्साह प्यार यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे, वो शायद ही बहुत कम जगह देखने मिल रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। जो 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 मुझको टिकट दे के आपके बीच में यहाँ पे खड़ा किया है, सचिन पायलट जी ने, अशोक गहलोत जी ने, मैं आशा करता हूँ कि भाई जो जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर दी है आपके बीच में लाकर, मैं सारी जिम्मेदारी पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपकी जो जो मेरे से अपेक्षा है वो सारी अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। साथियों, 29 तारीख को चुनाव है, चुनाव सारे कठिन होते हैं, ये चुनाव भी कठिन है। यहाँ का जो ये ग्राम पंचायत जो है, जो मुझे गाड़ी में भी बताया गया था, जो आके यहाँ से दिख रहा है कि इतने भारी संख्या से यहाँ पे कांग्रेस को आप हमेशा जीत दिलाते हैं, इतना प्यार दिलाते हैं, तो मैं तो बस आपसे एक ही अनुरोध कर सकता हूँ कि उस पर कमी ना आने दे, और आपका जो रिकॉर्ड आप यहाँ सेट करते हैं उस रिकॉर्ड को भी आप एक रोड एक बार तोड़ दें। इसी का मैं एक बार आपसे विनती करता हूँ। दो चीज मैं आपको बस बताना चाहूंगा अपने लिए। मैं यहाँ सिर्फ दो मुद्दों को लेके पूरे चुनाव में, पूरे अजमेर के चुनाव में दो चीजों को सिर्फ लेके बातें कर रहा हूँ। एक, कैसे हम यहाँ पे जो इतनी पानी की समस्या है पूरे जिले में, उसको कैसे हम एक बार में उसका निवारण करें। भीलवाड़ा जिले से मैंने देखा है वहां पानी की कितनी दिक्कत होती थी, आज भीलवाड़ा में सीपी जोशी साहब ने जो पानी की मुहिम चलाई उसमें आज 2045 तक, साल 2045 तक का पानी उधर है, बल्कि जरूरत से ज्यादा पानी है। इतना पानी है कि अगर हम वहां से यहाँ एक पाइपलाइन भी डालते हैं चंबल के पानी की, तो यहाँ पानी आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर सरकार के साथ मिलकर और दिन रात एक करके स्कीम लाएंगे कि पानी की पाइपलाइन इधर आए, और पानी की जो दिक्कत है यहाँ की और पूरे जिले की, पूरे अजमेर जिले की और खास करके इधर की, वो पानी की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो। 21वीं सदी में जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी की स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस समय अगर पानी की दिक्कत हो कहीं भी जगह, तो मैं कहता हूं ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और मैं इस पर पूरी मुहिम करूंगा कि 2 साल के अंदर अंदर पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म होए। दूसरी चीज, यहाँ पे उद्योग की कमी है, हर चीज में अजमेर सक्षम है, उद्योग कम है यहाँ पे। मैंने पिछले 20 साल में अपने परिवार का उद्योग संभाला है, मुझे पता है उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए, उद्योगपतियों को जानता हूँ मैं। लिस्ट बनाकर दिल्ली, बंबई, जयपुर, विदेश कहीं भी जाना हो, हर जगह जाकर लोगों को हम लाएंगे इधर, सब उद्योगपति को अजमेर में लाके ध्यान न्योता देंगे कि आप अजमेर में अपनी फैक्ट्रियां खोलिए, अजमेर में कारखाने खोलिए, ताकि हमारे जितने भाई बहन है इधर सबको यहीं पे नौकरी मिले, सही को यहीं पे रोजगार मिले, किसी को बाहर ना जाना पड़े। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर 5 साल में हमने ये काम कर दिया, तो कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा, और जो बच्चे भी हमारे इधर बैठे हुए हैं जिनको 15-20 साल में आगे जाकर नौकरी करनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, इनको भी आपसे दूर ना होना पड़े, यही बैठे बैठे इनको भी नौकरी मिले। ये काम मैंने अगर 5 साल में किया, तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अपेक्षा सचिन पायलट जी ने करी है आपसे करी है, उसमें मैं खरा उतरूंगा। एक बार फिर इधर बुलाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
सांसद प्रत्याशी रिजू भाई झुंझुनवाला हमारे साथ पधार चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यथास्थान विराजमान करें। इधर सब कुछ है हमारे पास, युवा है, शक्ति है, सारे लोग हैं हमारे पास, लेकिन उद्योग की कमी है। मैंने पिछले 20 साल अपने जिंदगी के, अपने परिवार के उद्योग में बिताए हैं। मुझे पता है उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, मुझे पता है लोगों को कैसे लाना चाहिए उद्योग के लिए। मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आपने मुझे मौका दिया, मैं पूरे दिन दिल्ली, बम्बई, जयपुर, जहां आप मुझे भेजेंगे, जहां मैं जाऊंगा, वहां पे लिस्ट बना के एक एक उद्योगपति के घर जाके उनको हम लेके आएंगे इधर अजमेर में, और उनको बताएंगे कि आप इधर अपनी कारखाने लगाइए, इधर अपने फैक्ट्री लगाइए, ताकि हमारे जितने युवा भाई बहन है सबको रोजगार इधर ही मिले, किसी को बाहर ना जाना पड़े। पांच साल में ऐसा हो जाए कि किसी आदमी को बाहर ना जाना पड़े और सबको रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना हो। हमारे बच्चे भी जो यहाँ पे खड़े हैं 15 साल बाद जब ये काम करने जाएंगे तो इनके लिए भी इनको बाहर ना जाना पड़े, इनके माता पिता को भी ये ना सोचना पड़े कि ये बाहर कहाँ जाकर काम करेंगे। तो यही सपने लेके मैं आपके बीच में आया हूँ कि अजमेर को कैसे विकसित बनाना है, अजमेर की कैसे प्रगति करनी है। मैं आशा करता हूँ आप मुझे एक मौका देंगे। 7 दिन में चुनाव है, इस गाँव ने हमेशा, ग्राम पंचायत ने हमेशा कांग्रेस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। मैं चाहूंगा कि जैसे भाई सागर ने बताया था कि जितने वोटों से आपने रघु शर्मा जी को भी यहाँ से जिता के भेजा था, उससे कहीं ज्यादा वोट से मेरे को यहाँ से जिता के भेज दीजिए। मैं आपके साथ खड़े रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहूंगा, और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा आपके। अगर ये 5 साल आप मुझे देते हैं तो एक बार फिर आपने मुझे इधर बुलाया, पूरे जोश के साथ अगले 7 दिन खड़े रहिए और 29 तारीख को भारी बहुमत में जाके कांग्रेस को वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आने में यहाँ बहुत लेट हो गई। साथियों, आपको पता है चुनाव 29 तारीख को है, प्रचार के लिए सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। दिन रात एक करके हम सब, सारा ये जो आप कांग्रेस का परिवार मेरे साथ देख रहे हैं, हम सारे जिलों में, अजमेर में के, अजमेर के सारे जिले, शहर, देहात, सब जगह घूम रहे हैं पिछले 20 दिनों से। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं, इतना प्यार और उत्साह देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की जो लहर देखने को मिल रही है, ये बात तय है कि कांग्रेस को लोगों ने यहाँ पे मन बना लिया है कि अजमेर शहर से, अजमेर जिला से कांग्रेस को जिताकर भेजना है। आप लोग भी यहाँ जो आज भारी संख्या में आए हैं, इतनी देर से हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमारे को इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग को भी देख के मेरे को एहसास हो गया है कि जो टिकट यहाँ पे देकर मेरे को सचिन पायलट जी ने आपके बीच में खड़ा किया है, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है मुझे यहाँ से जिताकर भेजने के लिए, हम सब उस पर खड़े उतरेंगे। और भाई सचिन पायलट को, रघु शर्मा जी को, जब हमारी ये टिकट, जब हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो यहाँ गुला गांव के और अपने नसीराबाद, अजमेर की हर की लड़ाई ऊपर जाके हम लड़ सकते हैं। बच्चे, युवा, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी राठौड़, राम नारायण जी गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर जी, सुरेश भाई, सरपंच साहब, सारे निवासी, सारे भाई बंधु, बहन, माताएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हमारे मंच पे विराजमान मेरे कांग्रेस के परिवार की तरह सारे बुजुर्ग भाई सागर, आप सबको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। आज 29 तारीख को चुनाव है, 8 दिन बचे हैं चुनाव को, हम 20 दिन से पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, और एक बात जो देखने को हर जगह मिल रही है कि कांग्रेस के लिए एक लहर है
जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस को इस बार जिताना है अजमेर से। सचिन पायलट जी ने जो टिकट दी है मुझे, उसकी लाज हमें रखनी है। जो एक जिम्मेदारी मेरे पे दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने है। आप पे जिम्मेदारी डाली है उन्होंने, मेरे पे जिम्मेदारी डाली है। हम दोनों मिलकर दिखाएंगे सचिन भाई को कि जो जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है, हम उसको निभाने में सफल हुए। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो तीन बातें सिर्फ रखूंगा। मैं राजनीति में नया आया हूं, लेकिन मेरे उद्देश्य जो है राजनीति में वो एकदम साफ है। सिर्फ दो काम है जो मैं अजमेर के लिए करना चाहता हूं जल्द से जल्द, उसके बाद हम और चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जो पानी की समस्या है, भीलवाड़ा में पानी की समस्या होती थी आज से 5 साल पहले, चंबल का पानी उधर लेके आए सीपी जोशी साहब। आज भीलवाड़ा में जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा पानी है। हम एक स्कीम बनाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, एक योजना बना के पाइपलाइन डाल के भीलवाड़ा का पानी इधर लाएंगे चंबल का, और अजमेर में जो पीने के पानी की समस्या है पूरे जिले में उसको खत्म करेंगे जल्द से जल्द। ये काम मैं करूंगा आपके लिए। दूसरा काम, उद्योग की यहाँ कमी है, यहाँ ज्यादा उद्योग नहीं है, ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, ज्यादा कंपनियां नहीं है। हम यहाँ मिल लगवाएंगे, एक एक उद्योगपति को लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि आप अजमेर में आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले इधर आओ, अपनी मिल लगाओ इधर, ताकि हमारे जितने युवा साथी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक युवा साथी बेरोजगार ना हो, एक युवा साथी को बाहर ना जाना हो काम ढूंढने के लिए। यही जिले में बैठे बैठे हमें काम मिले और 5 साल बाद इतने कारखाने इधर लग जाए कि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हमारे बच्चे जो है जब 15 साल के बाद बड़े होकर ये काम ढूंढने जाए, एक ऐसा काम मैं आपके बीच में रहकर करूं अगले 5 साल कि मुझे नाज हो कि उन्हें भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े भी जब वो बड़े हो। भाई सचिन पायलट ने जितने काम इधर करे 2009 से 2014 तक, आप सब उससे जानते हैं। मैं उस काम को आगे बढ़ा के आपके बीच में रह के आपके साथ में रह के वो सारे काम को बढ़ाऊं। कांग्रेस की जितनी नीतियां हैं, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो, चाहे न्याय की योजना जो लाने वाले हैं जिसमें 72,000 रुपए एक परिवार को, 6,000 रुपए हर महीने उस परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसके खाते में डाल दिए जाएंगे, ऐसी स्कीम लेके आ रही है कांग्रेस। आप सब से मेरी विनती है, 5 साल के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, 5 साल के लिए आप केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार चुनिए, इतने कल्याणकारी काम लेके आएंगे, कोई जुमले में फंसने की बात नहीं है, कोई भ्रम में जाने की बात नहीं है। एक तरफा होके वोट करिए, एक तरफा होके कांग्रेस की तरफ वोट डालिए, भारी संख्या में वोट डालिए। 29 तारीख को मेयर को विजयी बनाए, कांग्रेस को विजयी बनाए, हम सबके हाथ मजबूत करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आपके बीच में खड़ा रहूंगा, आपकी हक की लड़ाई लड़ूंगा, यहां से मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी हमें। एक बार फिर आपने मुझे यहां बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। 29 तारीख को आपका आशीर्वाद मिले, अगले 5 साल आपके साथ में बैठ के कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार पूरी पोलिंग करे और आप लोगों को दिखावे कि ये दीवार वो दीवार, पंडित साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दिखाओ नहीं आ रहे। ये बातें तो दिल्ली जयपुर की है, हम तो अजमेर में बैठे हैं अभी, पगारा में तो भाषण दे रहे हैं अपन, तो अजमेर की बात कर रहे हैं अपन। पूरा में ऐसा पूरा जिला में बाती है आपके यार, अरे बस धीरे 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 आराम हो। एमएलए साहब ने मेरा माइक ले लो, हेलो मेरे दो बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों, आपको मालूम है 29 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। करनौज से
सारे बुजुर्ग, युवा, महिला, माताएं, बहनें, बच्चे मंच पे विराजे, मेरे सारे कांग्रेस के परिवार जैसे पदाधिकारी, नेतागण, सम्मानित मंच, आप सबने इधर इतनी देर से इंतजार करके हमारी बात सुनने का, अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके बीच में पहली बार आया हूं, लेकिन आशा करता हूं यहां का जो उत्साह है उसको देखकर ये पहली बार नहीं, आते रहूंगा आपके बीच में बार बार, ऐसे ही मौके मिलते रहे, अच्छे मौके मिलते रहे, बार बार मौके मिलते रहे। सहजय मेरे पहले सबने बताया 8 दिन में चुनाव है, पिछले 20 दिन से हम पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो देहात में हो या शहर में हो, हर जगह एक चीज देखने को मिल रही है कि जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जो है अजमेर से भी कांग्रेस को जिताने का और केंद्र में अजमेर का सांसद भेजने का आप लोगों ने मन बना लिया है। अब सिर्फ यही देखना है कितने भारी बहुमत से आप यहाँ को जिताते हैं, कितने भारी बहुमत में यहाँ से आप वोट करते हैं, कितने ज्यादा संख्या से ज्यादा वोट पेटी में डाल के आप कांग्रेस को देते हैं, ये देखने को रह गया है। आप सबसे मेरी विनती है, फिर से मेरी विनती है, ये बहुत अहम चुनाव है, बहुत गहरा चुनाव है, इसको आप ढील ना दें बिल्कुल। ये आपके आप बिल्कुल पिछले 5 साल जो केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, राज्य में भी भाजपा की सरकार रही है, आपने देखा है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सुविधाएं आपको मिली है, क्या सुविधाएं नहीं मिली है। कांग्रेस की जब जब सरकार रही है, चाहे वो पिछली गहलोत सरकार रही हो या 10 साल पहले की हो, जो जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट लाती रही है, वो मेरे ख्याल से आप सब बेहतर जानते हैं मुझसे, चाहे मनरेगा हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चिकित्सा की योजना हो, दवाई की योजना हो, सड़कें हो, अब आगे जाके जो न्याय की योजना आने वाली है, कर्ज माफी जो कही है, अभी 3 महीने हुए हैं सिर्फ कांग्रेस की सरकार को आए हुए और ऑलरेडी कितनी चीजें कर दी है। कर्ज माफी का काम चालू हो चुका है केंद्र में, यहाँ राज्य से जितनी कर्ज माफी हो सकती थी वो चालू हो गई है, अब केंद्र में भी जब हमारी सरकार आ जाएगी उसके बाद इस काम को भी पूरा कर दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना न्याय की जो योजना है, 72,000 रुपए हर साल, 6,000 रुपए हर महीने, जो 20% लोगों के घर में आज आ जाएंगे, उनके घर के माताओं के बहनों के खाते में डायरेक्टली ये चले जाएंगे, हर 3 महीने बाद ये हो जाएगा और हर महीने 6,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि आप घर घर तक पहुंचाए, इससे कितना फायदा होने वाला है आप सोचिए। जहां तक मेरा सवाल है, 2 चीजों को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक तो पानी का जो समस्या है, पानी की जितनी समस्या अपने यहाँ पे अजमेर जिले में है मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। भीलवाड़ा यहाँ से पास का जो जिला है, मैं वहां पे देखा है मैंने पानी की कितनी समस्या होती थी, लेकिन सीपी जोशी साहब जो वहाँ हमारे सांसद होते थे, उन्होंने वहाँ मुहिम चलाई और चंबल का पानी उधर लेके आ गए। आज भीलवाड़ा को जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पानी है भीलवाड़ा में। क्यों ना हम ऐसी एक योजना बनाए, एक पाइपलाइन डाल के भीलवाड़ा से इधर पानी लाएं और 6 महीने और 2 साल के अंदर अंदर ये काम करके दिखाएं, ताकि अजमेर की जनता को आज के बाद पानी की दिक्कत ना हो। भाई युवा बहन बेरोजगार घूम रहे हैं, उद्योग की कमी है इधर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले 20 साल से राजस्थान में अपना उद्योग संभाला है, उद्योगपतियों को क्या चाहिए, कहाँ पे उद्योग डालने के लिए, ये मैं समझता हूँ। एक लिस्ट बना के दिल्ली, बम्बई, जयपुर, हर जगह हम जाएंगे, गहलोत साहब को लेके जाएंगे, पायलट साहब को लेके जाएंगे और सबको इधर लेके आएंगे और एक एक आदमी को इधर हम लेके आएंगे उद्योगपति को, और बोलेंगे आपको अपनी जो फैक्ट्री डालनी है, कारखाने डालने हैं, पहले अजमेर में जाइए, उसके बाद कहीं जाइए, ताकि हमारे जो अजमेर के साथी हैं, जो अजमेर के युवा हैं, उनको यहीं बैठे बैठे नौकरी मिले। जो बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, जब ये बड़े हो जाए इनको भी अजमेर छोड़ के ना जाना पड़े, इनको भी ज्यादा से ज्यादा नौकरी इधर मिल जाए। तो अजमेर की प्रगति विकास, बेरोजगार को रोजगार और युवा को कैसे हम शक्ति दें, 36 को हमको साथ लेके चले, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा, ये भी मैं आपसे गारंटी करता हूँ। जो मेरे को फंड दिए जाएंगे एमपी के तौर पे, सांसद के तौर पे, आपसे पूछकर एक एक पैसे का हिसाब देके आपसे वो पैसा लगाया जाएगा, आपके भलाई के लिए लगाया जाएगा। मैं आपके बीच में बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ,
मेरे को आपसे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका वोट चाहिए और मैं आपके साथ खड़े रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ते रहूंगा। उसके अलावा मुझसे आपसे कुछ नहीं मांगूंगा आज तक, और 5 साल बाद भी जब आपके पास आऊंगा तो हमेशा ऐसे काम करके आऊंगा कि सर ऊंचा करके हम जाए, सर नीचा करके कभी जाने का मौका ना मिले। एक बार फिर आपने इधर बुलाया, 29 तारीख को आप दिखा दीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी शर्मा मौजूद है, मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि उनका भी साफा बंदा के स्वागत करें, कि उनका भी साफा बंदा के स्वागत करें आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ का। लाल सिंह जी, लाला राम जी माली, अन्ना रातो जी माला पहनाए जावे, प्रेम जी कुमार माला पहनाई साहब, पूर्व विधायक रामनारायण जी गुर्जर साहब, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी राठौर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र जी आबर एवं सम्मानित मंच, मैं ऋतु जी झुंझुनवाल साहब का ग्राम पंचायत करनोस में पधारने पर ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बदल वीडियो।